हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की फॉर सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर। मेरे ऐसे प्यारे बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए और जिनका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है और वो बीटेक कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उनको एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है थर्ड सेमेस्टर में, जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसे आप बेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग भी कह सकते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से बहुत सारे सब्जेक्ट्स निकलते हैं। तो आज अपन यहां पर सिलेबस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ मैं क्लास अनाउंस करूंगा क्या फीस होगा, कैसे अपन क्लासेस लेंगे, जो भी डिटेल होगा बेटा मैं यहां पर आज आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो को आप ज्यादा देर तक देखें। चलिए, तो बेसिकली आज मैं जो सिलेबस लेकर आया वो आरडीपीवी भोपाल के बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो अपना दिल छोटा ना करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप अपना सिलेबस व्हाट्सएप करें, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का। इवन बहुत से एनआईटीज हैं जिसमें यही सेम सिलेबस फॉलो हो रहा है। कुछ ऐसे भी कॉलेजेस है जहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ना बोलकर इसे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोला जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स क्या है बेटा? एक ही है, जो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इंपॉर्टेंस आप ऐसे जान लो कि अगर आप सोम नहीं पढ़ोगे तो इसके बाद आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, आप वो भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि सोम आपका बेस है। इससे पहले आपका जो बेस था बेटा वो मैकेनिक्स था, एंड सभी को पता है कि हम लोगों ने मैकेनिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा ड्यू टू ऑनलाइन एग्जाम एंड जो भी कोविड सिचुएशन रहा है, सभी बच्चों को पता है कि उन्होंने मैकेनिक्स उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है जितने अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं मेरा प्यारा बच्चा, मैकेनिक्स को मैं मैचअप कर दूंगा, जो आपका मैकेनिक्स का पार्ट है यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज होगा उसको मैं कवर अप करवा दूंगा। लेकिन अगर आप अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे ध्यान नहीं देंगे, आगे फिर कोई कवर अप नहीं करवा पाएगा। पूरा सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ इसी पर बेस्ड है 50%, ये ध्यान रखना। और भी सब्जेक्ट है लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिक सब्जेक्ट है आपके सिविल इंजीनियरिंग का, तो आप इसे मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने सोम को मिस किया तो आप टॉस वन टॉस टू नहीं पढ़ पाएंगे, एंड अगर आप टॉस नहीं पढ़ पाएंगे तो आप आरसीसी नहीं पढ़ पाएंगे, आरसीसी नहीं पढ़ पाएंगे तो आप स्टील भी नहीं पढ़ पाओगे। तो सोम से निकलता है टॉस वन टॉस टू, टॉस वन टॉस टू से निकलता है आपका आरसीसी वन आरसीसी टू, और आरसीसी वन से निकलता है आपका स्टील वन स्टील टू। ये कुछ सब्जेक्ट है जो पेयरिंग में, वरना आप बोलोगे सर हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था कि सोम इतना जरूरी है। एक बात समझ लो, सिविल इंजीनियर हो चाहे बीटेक कर रहे हो डिप्लोमा कर रहे हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर आप मास्टर्स हो, आपको इसके सारे चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आराम से आप आगे चलते चले जाओगे। वरना अगर सोम नहीं पढ़े ना बेटा तो आगे चल के आप पीछे मुड़कर देखना भी चाहोगे लेकिन आप कुछ कवर अप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, एक दो दिन में ये कवर अप होगा भी नहीं आपका। चलिए ये तो हो गई भाई इंपॉर्टेंस की बात, एकदम समझ लीजिए अगर आप सिविल इंजीनियर हैं आपको ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि आपको सिविल इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बिल्टअप करना है। चलिए तो बात कर लेते हैं सिलेबस की, फिर मैं बात करूंगा किस तरीके से क्लासेस चलती हैं, ऑल दिस थिंग, फिर मैं प्रचार करूंगा अपना थोड़ा सा ऐड वगैरह। चलिए बेटा, यूनिट वन में आपके तीन चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर का नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दूसरा चैप्टर का नाम है इलास्टिक कॉन्स्टेंट, तीसरे चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यूनिट वन में आपको तीन चैप्टर्स पढ़ने, लगभग ये चैप्टर है आपका लेक्चर 13 है इसमें, इलास्टिक कॉन्स्टेंट में शायद लेक्चर 8 है और प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में शायद मैंने लेक्चर 6-7 लिया है, ठीक है। उसके बाद यूनिट टू में आपको पढ़ना है बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस, इसके लेक्चर्स मुझे अभी याद नहीं कितने, ठीक है। सबसे बड़ा जो यूनिट है बेटा वो यूनिट नंबर 3 है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। यूनिट नंबर 4 में आपको तीन चैप्टर पढ़ना है, कॉलम एंड स्ट्रट, थिन प्रेशर वेसल और आपका थ्योरी ऑफ फेलियर। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है टॉर्शन ऑफ शाफ्ट एंड अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक जवाब निकलेगा कि ऑल आर इंपॉर्टेंट, सभी आपके चैप्टर्स वो इंपॉर्टेंट हैं। आप फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करो। एग्जाम में कैसे पास करवाना वो मुझ पे छोड़ दो, कि भैया आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाने वो मेरी जिम्मेदारी है,
आपकी सिर्फ जिम्मेदारी यह है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको बस सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हर एक टीचर की बस की बात भी नहीं होती है कि वो बच्चों को अच्छे से मैनेज करके चले। आपके अगर कॉलेज में क्लास चलेगा आप ये सोचोगे कि चल क्या रहा है। यहां पर कम से कम इस कोर्स में आपको मैं 6-7 ऐसे लेक्चर्स लूंगा बेटा जो आपका बेसिक मैकेनिक्स का लेक्चर होगा, जो आपको मैकेनिक्स में पढ़ना चाहिए था लेकिन आपने नहीं पढ़ा। चलिए बेटा, तो ये हो गया सिलेबस। अब सवाल उठता है कि क्लास आपको कहां मिलेगा। तो देखिए बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये पहला चैप्टर आपको मैं एज अ डेमो दूंगा, इसके कुछ वीडियोस आप पहले पढ़कर देखिए। कम से कम हो सकता है मैं 5 भी दूं, हो सकता है 6 दूं, हो सकता 7, लेकिन अगर 5 लेक्चर्स भी देता हूं तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि मैं पढ़ा कैसा रहा, ठीक है। और ये लेक्चर्स मैंने 1 साल पहले रिकॉर्ड करे थे, उस समय मेरे पास कोई वर्कलोड नहीं था, बहुत मन लगा के मैंने रिकॉर्ड किया था। मुझे अब ऐसा लगता है कि जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया ना, अब मैं शायद दोबारा वैसा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। इवन एक एक चीज मैंने वहां पे डिटेल से बताया था, केएलसी कैसे चलाना, ऑल दिस थिंग, कोई वर्कलोड नहीं था, ठीक है। इसलिए जो मैंने उस समय बनाया मतलब वो बेस्ट है, तो मैं उससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा बेटा। वो पिछले साल का जो वीडियोस है मैं यहां पर प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा, ठीक है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, या तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम सिविल, ठीक है, बीटेक थर्ड सेमेस्टर और आपका सेकेंड ईयर, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसके बाद आप 4-5 लेक्चर्स डेमो लीजिए, है ना। आपको अगर अच्छा लगे कि हाँ यार सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यार देखो बेसिक लेके चलना पड़ेगा, अगर बेस अपन अच्छे से नहीं लेके चलेंगे। और मैंने क्या बोला, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से क्यों ना, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पढ़ाने के लिए जो भी चीजें हो पाएगी, इसके अलावा भी 1-2 चैप्टर्स हैं जो मेरे पास बने हुए, मैं ऐड कर दूंगा, कोई उसमें डरने वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, तो बेसिकली करना क्या है आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर पर जाइए मेरे प्यारे बच्चों, एंड स्टोर पे जाने के बाद आप सर्च कीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो आपका सब्जेक्ट है, आप वहां देख लेना, सिविल में मैकेनिकल में दोनों में, आप सिविल वाला ही परचेस करना, ठीक है। कोई भी आपको परेशानी होती है कोर्स परचेस करने में तो आप इस नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेकिन बेटा ठीक है, परचेस करना, ऐप पे जाना, ये सब अपनी जगह पर, आप पहले जाकर डेमो एंजॉय करो, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसको मैंने 5-6 लेक्चर्स में डाल दूंगा, आप जाकर वहां पढ़िए, एटलीस्ट आपको मेरा अप्रोच पता चल जाएगा कि मैं पढ़ा कैसा रहा। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 मुझसे पढ़ चुके हैं, तो उन्हें आपको दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ बेटा, अगर आप RGB भोपाल में हो तो एक और मेन सब्जेक्ट है आपका, वो है मैथमेटिक्स 3। साथ ही साथ बिल्डिंग डिजाइन एंड ड्रॉइंग के लिए मैं फैकल्टी खोज रहा हूँ कि अगर मुझे कोई अच्छा फैकल्टी मिलेगा तो मैं BDD का भी क्लास स्टार्ट करवाऊंगा बेटा। और मैंने क्या बोला, अपने बेस्ट क्लास, सोम इज माई फेवरेट। अगर रात में उठकर भी बोलोगे ना कि सर इसको पढ़ा दो, मैं आराम मस्त पढ़ाऊंगा, क्योंकि मजा आ जाता है जब चीजें सीखते हो ना, मजा आए। तो सीखना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि मैकेनिक्स अपन खो चुके हैं, अगर इसे खोएंगे ना तो फिर आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। तो आप अभी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और आप या चाहे यूट्यूब पे, चाहे आप ऐप पे भी, मैं कुछ लेक्चर्स फ्री कर दूंगा, आप वहां पे जाकर डेमो एंजॉय कीजिए। आपको अच्छा लगता है बेटा तो आप वहां पर 799 पे करके आप पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि वैलिड रहेगा आपके 6 मंथ के लिए। तो बेटा बहुत मिनिमम फीस है, ठीक है, आपके कॉलेज लेवल से पढ़ाया गया, बाकी अगर आप यूट्यूब में जो छानना चाहते हो छानो, बेस्ट कंटेंट नहीं मिलने वाला। इवन आप अगर इतना पढ़ लोगे तो SSC तक के क्वेश्चंस कर लोगे, और मैंने इसमें गेट SSC कोई क्वेश्चंस भी करवाए, साथ में यूनिवर्सिटीज भी। इतना मैं बोलना कभी नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं कि आप पढ़ो, भटको मत। बस मेरा यही एक एम है कि मेरा हर बच्चा अच्छे से पढ़े। मेरा इतना बोलने के पीछे रीजन ये कि पढ़ लोगे तो नाम लोगे कि नहीं यार सर से पढ़ा था, एकदम कंसेप्ट आपका पानी की तरह क्लियर होगा, अदरवाइज कॉलेज में क्या चलता है वो आप सभी को पता है। चलिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा बेटा, और इसके डेमो एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा क्वालिटी डाउन है, लेकिन कंटेंट मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी क्वालिटी देकर भी हो सकता है, मैं खुद से डर रहा हूं कि जो मैंने बना दिया मैं क्यों दोबारा वैसा लेक्चर बना पाऊंगा नहीं। इवन एक एक चीज यार, कैलकुलेटर 2+2+ क्या होता है, ये सब मैंने वहां पे बताया। उस समय कोई काम नहीं था, बस यही काम था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे काम करना है,
ठीक है। चलिए अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड करके रखिएगा, डेमो एंजॉय कीजिए, देन आप परचेस करने का मन होगा तो आप परचेस करके पढ़ सकते हैं। चलिए, और कोई दिक्कत होता तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।